गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित चुनावी सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित। खबर गाजीपुर से है, जहां वहीयाबाद के सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए गीता के श्लोक के साथ उद्बोधन प्रारंभ किया। कहा कि धर्म की रक्षा व दुष्टों का संहार करने के लिए राष्ट्र नायक के रूप में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। आगे उन्होंने अति उत्साह में नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय सरकार ने वैक्सीन बनाने के साथ करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगवाया। अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाने से मना करते थे, लेकिन अंधेरे में चुपके से वैक्सीन को लगवा लिया, पर लोगों को मोदी वैक्सीन बताकर गुमराह करते रहे। कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट आया तो प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी ने गरीबों को मुफ्त राशन देकर गरीबों का जीवन बचाया और 40 लाख आवास गरीबों को दिए। होली तथा दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने के साथ ही मुफ्त बिजली देने की बात कही। देखिए इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुने। जनसभा जखनिया विधानसभा में मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का एक कार्यक्रम था और अपने जखनिया विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रामराज वनवासी जी के लिए जिताने के लिए जनसभा का कार्यक्रम किया गया था। कैसा लगा जखनिया का विधानसभा का चुनाव, कैसा रहा? आम जनमानस का जो अरेला आपने देखा है, इससे साबित हो गया कि जात पात धर्म सब छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की विश्वास करके योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में वही है। आम जनमानस ने आज साबित कर दिया कि आने वाले 10 मार्च की गणना होगी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 40 साल से यहाँ बीजेपी का कोई विधायक नहीं रहा है, क्या कहेंगे इस बारे? इस बार जनता यहाँ जो 40 साल से कहीं ना कहीं उपेक्षा होती रही आदरणीय मनोज सिन्हा जी के बाद, क्योंकि यहाँ विकास ठप रहा है और रामराज वनवासी कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा जी का जो पूरा व्यक्तित्व उनके अंदर छलक रहा है और ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी को देखते हुए पूरा जनमानस रामराज वनवासी जी के साथ है। और मुझे लगता नहीं है कि पूरे जनमानस को देख करके लग रहा है कि जखनिया विधानसभा बहुत अंतर से पूरे गाजीपुर जनपद में सीट जीत के करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। भाजपा ने वनवासी समाज के प्रत्याशी लोगों को प्रत्याशी बनाया जी, क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, यह एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करने जा रहे हैं, जब आम जनमानस से हम लोग उनकी अपील कर रहे हैं तो उनके जो मन से भाव के अंदर से जो भावना निकल रही है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है कि हम अपने सुख दुख की हर बात उससे कह सकते हैं, यह भाव देखने को मिल रहा है। और हर जात हर वर्ग के लोग ग्राम रजवनवासी के व्यवहार से उनके व्यक्तित्व से उनसे जुड़ते जा रहे हैं। कितने वोटों से जीतने का दावा? बहुत अंतर रहेगा सर, जखनिया विधानसभा में 2500 चौहान की वोट संख्या है, इस पे किस तरह आप आकर्षित कर रहे हैं? चौहान समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज का हमेशा सम्मान की है और अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो पूर्व के प्रदेश मंत्री जिले के थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रभुनाथ चौहान जी को उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। उससे पूरे चौहान समाज में एक उल्लास है, उसके साथ पूरा चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? 300 प्लस रहेगी। वनवासी जी, किस तरह का कार्यक्रम था आज बहरियाबाद में? आज का जो पहले आपको आप सभी लोगों को धन्यवाद, आज यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कैसा जखनिया विधानसभा का सीट कैसा रहेगा आपका? जखनिया विधानसभा का सीट निश्चित रूप से अच्छी बात जो है जखनिया विधानसभा, क्योंकि हमें जो है जखनिया विधानसभा हर वर्ग चाहे किसी भी वर्ग का किसी भी जाति जाति का सबका जो है समर्थन मिले और सबका प्यार मिल रहा है, इसलिए जखनिया का विधानसभा का जो गाजीपुर से कितनी सीटें जीत रही हैं भारतीय जनता पार्टी? गाजीपुर की सातों सीट भारतीय क्योंकि कोई रोक नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी ने हर लोग के लिए काम किया, चाहे
गरीब हो, अमीर हो या किसी भी कास्ट के लोग हो, सबको एक सम्मान निगाह से कार्य किया है और अपने जो है योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरे 700 विधानसभा में बहुत ही सम्मान जो है प्यार और सम्मान और ये जो है उनका जो है सहयोग मिल रहा है। बनवासी जी, भारतीय जनता पार्टी 700 विधानसभा में समझ किया है। बनवासी जी, प्रदेश में कितने सीटें आ रही हैं? प्रदेश में अबकी बार जो है 300 से ऊपर है। क्या किसी के साथ आपका चुनौती बन रही है किसी पार्टी में? मेरे साथ किसी की चुनौती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनता है, जो माता पिता हैं जतनिया विधानसभा के, जो नौजवान साथी हैं, वह मुझे बहुत ही अपार स्नेह और प्यार और सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मैं जखिनिया विधानसभा का सीट जीतूंगा और प्रथम बार जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लाऊंगा और हमारे साथ किसी का मुकाबला नहीं। क्या लगता है कितनी वोटों से जीतेंगे जखिनिया में? जखिनिया में 1,00,000 1,20,000 चमकी ऐसा जैसा कि आपको प्यार